Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you say it like that. If I hate you, then find someone new. Maybe, but you know I never will. No. So I choke you down just like a pill. Welcome back in Mehkan Boutique, and in today's video I will make this beautiful Begi Abaya. So let's see how I made it. Keep watching, guys. So Begi Abaya banane ke liye maine yahan par 3 meter silk fabric ka use kiya hai aur full panne wala fabric maine yahan par use kiya hai. So fabric ki width 16 inches hai. So yeh abaya banane ke liye hame full panne ka fabric hi chahiye. So dekhiye bahut hi aasan tarike se hum aapko yeh abaya ki cutting and stitching batayenge. So is video ko like and share zarur kare. So now let's marking for abaya. तो लेंथ वाइज मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है. ये हमारे फैब्रिक की विड्थ है और ये लेंथ है. तो 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की विड्थ 29 इंचेस है और 3 मीटर फैब्रिक को हमने लेंथ वाइज फोल्ड किया है. तो अबाया के लिए यहाँ पर हमारी लेंथ है 58 इंचेस. ओपन साइड को मैंने अपनी तरफ रखा है एंड दिस इज अ फोल्डेड साइड जिसको हमें अपोजिट डायरेक्शन में रखना है. और देखिए इसके जो टॉप साइड है वो इवन है. यहाँ पर हमें सिलाई लगाने की जरूरत नहीं होगी. एंड मेक श्योर गाइस फोल्डिंग के बाद जुड़ा हुआ साइड ऊपर की तरफ ही आए और ये इवन साइड से ही हम मार्किंग करेंगे. तो देखिए ये टॉप साइड से भी 29 इंचेस है. सो बेसिकली हम यहाँ से 11 इंचेस पर स्लीव कफ की मार्किंग करेंगे. और इसके बॉटम साइड से 17 इंचेस पर मार्क करेंगे. और इंच टेप की हेल्प से देखिए इस तरह ये दोनों मार्क को ज्वाइन करेंगे. सो ये दोनों मार्क को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कर्व शेप ड्रॉ करूंगी, बट आप स्ट्रेट लाइन पर भी कट कर सकते हो. और यहाँ पर मैं कर्व शेप पर कट करूंगी. सो आफ्टर कटिंग ये इस तरह से दिखेगा. Now let's marking for neck. So यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक लिया है. इसकी लेंथ 13 इंचेस है और इसकी विड्थ 8 इंचेस है. इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड करेंगे और फोल्ड फोल्ड करने के बाद ये फैब्रिक को हम इसके नेक साइड पर रखेंगे. देखिए हमने फोल्डेड साइड से फोल्डेड साइड को मिलाकर रखना है. अब यहाँ पर मैं 3 इंचेस पर नेक की विड्थ मार्क करूँगी एंड 4 इंचेस पर मैंने नेक टेप मार्क की है. अब ये मार्क्स को मिलाते हुए बॉक्स बनाएंगे और इसमें हमने नेक के लिए गोलाई देनी है. तो देखिए नेक को हमने कट कर लिया है और इसके साथ हमने नेक की फिनिशिंग के लिए स्ट्रिप को कट किया है. तो अब ये स्ट्रिप के साइड से हम 1-1 इंचेस पर मार्क करेंगे. तो इस तरह से ये एक इवन सर्कल है और ये स्ट्रिप से हमने नेक की फिनिशिंग करना है. तो अभी हम इसे साइड रखेंगे और इसे ओपन करेंगे.
ओपन करने के बाद फर्स्टली हम नेक की फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमारा राइट साइड है और स्ट्रिप के राइट साइड को हमने फैब्रिक के राइट साइड पर रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। सो हमने नेक पर सिलाई लगा ली है, अब इस पर लिटिल बिट कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के बाद इस तरह से देखिए स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करना है। सो एज यू कैन सी गाइज, बहुत ही इजीली हमने नेक की फिनिशिंग कर ली है। सो नेक की फिनिशिंग करने के बाद इसके स्लीव में हम कफ लगाएंगे। सो यहाँ पर मैंने स्ट्रिप लिया है, इसकी विड्थ है 23 इंचेस एंड इसकी लेंथ 3.5 इंचेस है। और देखिए स्ट्रिप को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक है इसके राइट साइड पर हमने स्ट्रिप को रखना है और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। सिमिलरली इसके सेकंड साइड पर भी स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। तो हमने इस पर सिलाई लगा ली है। सो आफ्टर स्टिचिंग अब हम इसमें इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इलास्टिक लिया है और यहाँ पर मैंने 9 इंचेस का इलास्टिक यूज़ किया है। अभी ओपन साइड से इलास्टिक को इस तरह अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक को हुक में डालने के बाद हमने इसके दोनों साइड पर सिलाई लगाकर इलास्टिक को फिक्स कर दिया है। इलास्टिक को फिक्स करने के बाद इलास्टिक के सेंटर पर हमने सिलाई लगाना है। सो आफ्टर स्टिचिंग यहाँ पर हमने स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब इसके राइट साइड पर राइट साइड को मिलाते हुए टर्न करेंगे। इसे राइट साइड पर टर्न करने के बाद देखिए साइड से हमें एक एक इंच पर मार्क करना है और ये मार्क पर हम स्टिचिंग दे देंगे। एंड सिमिलरली इसके सेकेंड साइड पर भी 1 इंच के डिस्टेंस पर स्टिच करेंगे। दोनों साइड्स पर सिलाई लगाने के बाद इसके बॉटम पार्ट को हमें सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग अबाया ऑलमोस्ट डन हो चुका है। एंड एज यू कैन सी बहुत ही फिनिशिंग में हमने इसकी बॉर्डर को फोल्ड किया है। अब स्लीव पर हम बंच लगाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर रेडीमेड बंचेस लिए हैं एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल बंचेस गाइस। एज यू कैन सी दिस इज रेडीमेड फ्लावर बंचेस और इस पर सीपी एंड सिक्वन का वर्क है। इसको स्लीव पर रखकर हैंड स्टिच करेंगे। और इसके सेकेंड स्लिप पर भी हमने बंच को रखकर हैंड स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल अबाया बनकर रेडी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल मेहकान बुटीक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी इनेबल करें फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।